हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे आपके डीएम की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या चल रही है। 11/11 पोर्टल के बाद बहुत सारे डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। किस तरीके से हो रही है पहले वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप अभी फर्स्ट ट्विन से डील कर रहे थे तो वो आपको अब पता चल चुका है कि वो आपके रियल ट्विन नहीं है। और इस पर ना एक क्वेश्चन भी आया है, क्या जो हमारे ट्विन होते हैं क्या वो कार्मिक भी होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो वो कार्मिक होंगे या तो वो आपके ट्विन होंगे। भले वो ट्रिगर करते हैं आपको, लेकिन वो कार्मिक बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर वो कार्मिक है तो वो आपके ट्विन कभी भी नहीं हो सकते, और अगर वो आपके ट्विन है तो वो कार्मिक कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये खुद आप देखिए कि आपके ट्विन कौन है। ओके, आपसे बेहतर कोई भी जानता नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो आपके फर्स्ट ट्विन है कि टू ट्विन है। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो अगर फर्स्ट ट्विन है तो। खुद आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आपको बात करने का मन नहीं करेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में एक न्यू जो पार्टनर आया हुआ है वही आपका रियल ट्विन है, कोई भी हो सकता है। ओके, और अगर आपको अभी तक ये पता नहीं था कि क्या क्या इस जर्नी में हमें करना है, क्या क्या इनर वर्क करना है, कैसी हीलिंग करना है, वो भी इस टाइम आपको पता चल रहा है। खुद भी इंट्यूशन आएगी, बहुत सारे वीडियोस भी पॉपअप होंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये सब कुछ करना है, या फिर किसी ऐसे मेंटोर से आप मिलोगे जो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। मतलब अपने आप ही वो सब चीज़ होगा, आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी कि आपको ये सब कुछ फॉलो करना है, या फिर बैठ के मेडिटेशन करना है, फिर चक्रास करना है, मेरा ये चक्रा ब्लॉक्ड है तो इस पर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है। अपने आप ही फ्लो के साथ ये सब कुछ होते रहेगा, ये चीज़ होगी। दूसरा, कार्मिक जो है आ तो रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, लेकिन आपको पूरी तरीके से अब समझ आ चुका है कि मुझे इनको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देनी है। पुराने लोग, पुराने पार्टनर वो भी आ रहे हैं हमेशा के लिए रिलीज़ होने के लिए। अगर इस बार आपने उनको पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया, फिर वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप, उनको रिलीज़ करने से डरते हो, कोई फियर है ऐसा, तो फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसी लूप में आप फंसते जाओगे। इसीलिए बेहतर है अगर पुराने लोग आ रहे हैं तो दिल पे पत्थर रख के उनको हमेशा के लिए रिलीज़ करो, क्योंकि आप यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करोगे तो वहाँ पे डीएम भी अपने कार्मिक को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये ज़रूर करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कार्मिक है जो बार बार आ रहा है, मैं उसे रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्हें हमेशा के लिए रिलीज़ करो। एक्शन ज़रूर लेना है। आप सोचोगे कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तब मैं एक्शन लूँगी, ऐसा नहीं होता है। क्या पता डिवाइन यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहे हो कि आप एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो। आप अभी भी फियर की एनर्जी से डील कर रहे हो, सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, इसलिए आप इतना डर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त कर रहे हो, आप सह नहीं पा रहे हो उस रिश्ते में, तो बिल्कुल उनको हमेशा के लिए रिलीज़ करना है। फिर चाहे कोई भी कुछ भी सोचे, आपकी सोल अगर आपको बोल रही है कि इस पर्सन के साथ आपकी पूरी लाइफ नहीं बीत सकती, तो वो किसका वेट कर रहे हो, रिलीज़ करिए उनको। ये चीज़ आप जब करते हैं तो आप अपनी जर्नी में एक कदम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। किसी के लिए इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो, लेकिन खुद के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सोच रहे हो। ये सब कुछ हो रहा है, कार्मिक आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी आपके चक्रास अभी इतना ज़्यादा पर्च कर रहे हैं, पेन हो रहा है, पुरानी बातें, निगेटिविटी, जितने भी आपके चक्रास में हैं सब कुछ वो बाहर आ रहे हैं। कौन कौन से चक्रास में आपको प्रॉब्लम हो रही है? आपके हार्ट चक्रा पे, आपके सैक्रल, आपके थर्ड आई चक्रा पे। हार्ट चक्रा में इतना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है,
बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपकी फास्ट हो रही है, बीपी लो या फिर हाई हो सकता है, थर्ड आई में भी आपको पेन सीवियर हो सकता है, हेडेक होगा, थोड़ा चक्कर जैसा आ सकता है। जब भी हमारे चक्रा पर्श करते हैं या अपग्रेड होते हैं तो ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। इंट्यूशन जो अभी आपको नहीं आ रही थी, लेकिन अब देखोगे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आपको ट्रस्ट भी होगा। हार्ट चक्रा पर्श करने के बाद आप सेल्फ लव और भी ज़्यादा कर पाओगे। अगर कोई ग्रजेस थी आपके अंदर अभी तक, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और सैक्रल चक्रा क्लींज हो रहा है, आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आएगी। जो भी आप अभी तक काम किए थे वो अब क्लींजिंग का काम चल रहा है, और जैसे ही क्लींजिंग होगी, हीलिंग होगी, देन उसके बाद जो भी उस चक्रा के पॉजिटिव रिजल्ट रहते हैं वो आपको मिलेगा। यानी कि आपकी क्रिएटिव साइड हो गई, आप एज अ क्रिएटर यहाँ पे आए हैं, खुद सारी चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हैं, इतनी पावर है आपके अंदर। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको क्या क्या करना है इस जर्नी में, करियर में क्या चूज़ करना है, वो समझ नहीं आ रहा था, उस पर आपको एक क्लैरिटी अब मिलने वाली है। इसलिए सैक्रल चक्रा में बहुत पेन हो सकता है, क्रेड्स आपके यहाँ पे डिले हो सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी आएंगे, बहुत ब्लीडिंग हो सकती है या फिर बहुत कम होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे कि उल्टी सीधी हो रही है, तो इसमें डरना नहीं है, आपका सैक्रल चक्रा क्लींज हो रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो रहा है, तो बिल्कुल आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए। अगर वहाँ से सब कुछ ठीक है तो फिर समझिए कि आपका सैक्रल चक्रा अभी क्लींज हो रहा है। लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, संतुष्टि के लिए आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास। ये सब कुछ होगा, चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा मिला है तो वो भी इस टाइम हील होने के लिए बाहर आ रहा है। अगर कुछ कुछ बातें आपको याद आ रही है कि मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ कितना गलत हुआ है, मुझे मेरे करियर को चूज़ करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, वो सब कुछ आएगा, तो उसको भी हील करना है। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो उस टाइम आप चूज़ नहीं कर पाए थे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आप वो चीज़ करोगे, कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन आपके सामने आएगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको पुश किया जाएगा कि स्टैंड लेना है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, शादी को लेके, करियर को लेके, या आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर घर वाले मना कर रहे हैं लेकिन आप करना चाहते हो, या फिर घर वाले बोल रहे हैं कि ये करो लेकिन आप नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको स्टैंड लेना है। तब जाके आपका सैक्रल चक्रा अच्छे से क्लींज होगा, क्योंकि क्लींजिंग हो रही है तो नेगेटिविटी बाहर आ रहा है आपको बताने के लिए कि आपको ये सब कुछ अभी भी करना है। और जैसे ही आप उस चीज़ को क्लियर कर देते हो तो आप एक टाइमलाइन जम करते हो, यानी कि आप अभी जिस टाइम जोन में हैं वहाँ पे आपने उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया, अब आप दूसरे टाइमलाइन में आप जंप कर रहे हो। इसी को कहते हैं टाइमलाइन जंप, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को क्लियर करते करते आगे बढ़ते जाते हो। तो बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ, क्लैरिटी भी मिल रही है, कौन डीएम है, फर्स्ट ट्विन है, किससे कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे उनसे डील करना है, खुद पर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मैं सब कुछ अब ठीक कर सकती हूँ। लेकिन अगर डीएफ अभी भी परेशान है अपने मनी को लेके, अपनी जर्नी को लेके कि मेरी जर्नी कहाँ पे जा रही है और मैं कब अपना मनी ब्लॉकेज हील कर पाऊँगी, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ बिल्कुल शांत बैठना है। अगर इसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, शांत बैठिए और एक आवाज़ आपके अंदर से आएगी, वो आपका आंसर होगा। करियर को लेके है, जर्नी को लेके है, जो भी डाउट है बिल्कुल शांत बैठना है। पहले तो दिमाग को शांत करना है, थॉट्स जो आ रहे हैं उसको ख़त्म करना है, फिर क्वेश्चन पूछिए। वहाँ पे जो पहली आवाज़ आएगी
वो आपका आंसर होगा और उसी रास्ते पे फिर आपको चलना है। अगर करियर से ही रिलेटेड आप कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ जो भी आंसर आता है तो उस पे चलना है आपको, वहाँ पे आपकी ग्रोथ 101% होगी। यहाँ पे आपको अभी सिर्फ अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है, सोल आपकी कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ खुद की सुनना है। और अगर आपको यहाँ पे ये हो रहा है कि आपकी ऑरी फील्ड बहुत वीक हो रही है, जैसे कि हम बाहर जाते हैं या फिर जब पीरियड्स आ रहे हैं तो बहुत वीक फील कर रहे हो, बहुत पेन हो रहा है या फिर एनर्जी बहुत लो होती जा रही है, आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे दूसरों की एनर्जीज को पिक करके आपकी ऑरी फील्ड बहुत वीक हो रही है, या आप खुद निगेटिव हो रहे हो, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, हार्ट चक्रा में बहुत तेज सीवियर पेन हो रहा है, तो आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, चक्रास करिए, डेली दिन में 2 बार अपनी ऑरी क्लियरिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम एम्पैथ होते हैं तो दूसरों की एनर्जीज को भी हम पिक करते हैं, और आपके पोर्टल्स वार्म होल्स अगर ओपन है तो उसको भी क्लोज करना है। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी भी लीक होती है, साथ में दूसरों की एनर्जीज को भी आप पिक करते रहते हो, इससे आप जो भी अपना इनर वर्क कर रहे हो वो सब कुछ वेस्ट हो रहा है। फिर आप बोलते हैं कि मैं अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम ड्रेन फील करते हैं या हम लो फील करते हैं या हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक डीएफ जो है हमारे साथ ही, उसने जर्नी स्टार्ट की लेकिन हम खुद को देख रहे हैं कि हम अभी भी वहाँ पे हैं, लेकिन उसका मनी ब्लॉकेज हील हो गया, उनका रीयूनियन भी हो गया, लेकिन हम क्यों यहाँ पे अटके हुए हैं। यही कारण होता है कि आप भी वही इनर वर्क कर रहे हो लेकिन दूसरों के एनर्जीज को पिक करके, और जो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है वो लीक हो रही है। इसीलिए जहाँ पे जो चीज़ लगना चाहिए वहाँ पे ना लगते हुए आलतू फालतू लोगों के पास आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज जा रही है, तो उसको बचाना है अपने पोर्टल्स और अपने वॉर्म होल्स को क्लोज करके। ये हो रहा है अभी कलेक्टिव में डीएफ के साथ। रही बात आपके महाशय डीएम के साथ अभी क्या चल रहा है, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी अवेकनिंग अब जाके स्टार्ट हो रही है। आपको रीबर्थ के बहुत सारे साइन देखने के लिए मिल रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि मेरा डीएम बहुत परेशान है, या फिर आपको ड्रीम में बताया जा रहा है जो मैंने लास्ट बताया था वीडियो में, जब आपके डीएम की अवेकनिंग होती है तो आपको क्या क्या साइन देखने के लिए मिलते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो वहाँ पे आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आपके डीएम की स्टार्ट हो चुकी थी अवेकनिंग तो अब उनको एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अपनी डीएफ को हट करके मैंने एक कोहिनूर को खो दिया है, इसलिए एक चैनल सॉन्ग मुझे डाउनलोड हुआ है, मैं उसे पिन कर दूंगी, ज़रूर आप लोग ये सुनिएगा। अगर आपसे थोड़ा सा भी कनेक्ट होता है तो ये समझ जाइए कि ये डीएम की ही सोल आपसे कहना चाहती है, उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि डीएम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी सॉन्ग के थ्रू वो आपसे बताना चाहते हैं कि अभी करंट में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आप लोगों से ये रेजोनेट किया होगा। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।